मैं इसको पानी को इसमें डालूंगा पूरे दवा को मिक्स करके, और उसके बाद फिर मैं इसको आगे पिलाऊंगा। हेलो माय डियर्स, मैं ऐसा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ मोनोसेफ ओ सस्पेंशन के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक सस्पेंशन है जो बच्चे के लिए मोस्टली प्रयोग में लाई जाती है। इसका कंपोजिशन जो होता है वो सिफोटॉक्सिम प्रजिटिल होता है। सिफोटॉक्सिम प्रजिटिल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ये कंपोजिशन है इसका, और इसका जो यूज है वो आज हम बताएंगे। ये मोस्टली बच्चे में प्रयोग की जाती है, 3 महीने से लेकर के 12 साल तक के बच्चे को हम दे सकते हैं। इसका डोजेज जो होता है वो अलग अलग होता है, इसे कुछ कुछ साइड इफेक्ट होता है। इसका प्रयोग मोस्टली करते हैं हम लोग, कोई भी तरह का इन्फेक्शन, जैसे शरीर पर इन्फेक्शन हो, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे वो खांसी हो, चाहे वो पेट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी का बॉडी पे कोई खरोच आ गई हो, चोट लग गई हो, या और भी कोई इन्फेक्शन हो बॉडी में, उसको सही करने के लिए हम लोग सिफोटॉक्सिम प्रजिटिल का प्रयोग करते हैं, यानी मोनोसेफ ओ सस्पेंशन का प्रयोग करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इसको हम लोग यूज में लाते हैं। तो पहले नंबर देखिए, इसको मैं खोलूंगा यहाँ से, खोलने के बाद देखेंगे तो इसके अंदर में कुछ इस तरह का मिलेगा पाउडर वाला, और ये कुछ तरह वाटर दिया जाता है इसमें, पानी दिया जाता है, डिस्टिल वाटर रहता है इसमें। तो इसको हम लोग खोलेंगे यहाँ से, यहाँ से खोलने के बाद फिर यहाँ से इसको खोलेंगे, और इसको यहाँ से इसको निकालते हैं फाड़ करके, यहाँ से इसको हम पूरा यहाँ से खोल देंगे पूरा। तो देखिए मैं इस पाउडर को खोल चुका हूँ, और पानी यहाँ तक भरना होता है, मैं पानी को भर के दिखाता हूँ, यहाँ तक भरना होता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ ये पानी है, और इस पानी को भरेंगे हम, इसको यहाँ से इसको तोड़ेंगे पानी को। देखिए मैं इसको खोल चुका हूँ, अब इसमें मैं इसको मिक्स करूँगा। मिक्स इसको कहाँ तक करना है, तो बस यहाँ तक जो इंडिकेशन दिया हुआ है यहाँ तक, उसी वहीं तक मिक्स करना है। मैं इसको पानी को इसमें डालूँगा। मैं इस इंडिकेटर तक पानी को भर लिया हूँ, पूरे दवा को मिक्स करके, उसके बाद फिर मैं इसको आगे पिलाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर में घोल बन चुकी है, पूरा पूरी बन चुका है, और इसका दवा जो रेडी है। अब मैं इसको बच्चे को पिलाने के काम में ला सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ तक इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक बन चुकी है। अब मैं इसको यूज करूँगा। तो और बाकी बात, देना कितना होता है इसको, ml जो होता है इसमें 2.5 ml, इसमें 2.5 ml देना होता है। यहाँ पर ml इंडिकेट क्यों रहेगा, इसमें 2.5 ml, 2.5 ml रहेगा यहाँ पर, और इधर 5 ml रहेंगे, इधर 10 ml रहेगा। तो 2.5 ml देना है मिनिमम, 3 टाइम देना है, और 5 ml देंगे तो 2 टाइम देंगे। तो ये आपका होता है। बाकी बात, अगर ये दवा कोई तरह का रिएक्शन करता है, इचिंग वगैरह होता है, या कुछ भी घटना बॉडी में होती है, फुंसी वगैरह बनना, तो ऐसे कंडीशन में आपको दवा को रोक देना है और डॉक्टर से तुरंत सलाह करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आप समझ में आया होगा इसका प्रयोग कैसे करेंगे। बाय बाय, धन्यवाद।